बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब फर्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज फिर हम आते हुए एक नई वीडियो के साथ, एक नई जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपके साथ जिस जॉब की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो पीओ बॉक्स जीपीओ 750 जो है रावलपिंडी की जॉब्स हैं। यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो असामियों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट की जॉब्स हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइजर, UDC, जूनियर क्लर्क और LDC और जूनियर प्रूफ रीडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जॉब लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी पंजाब जॉब्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टेड डेट इसकी 27 सितंबर है, जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020 है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इसका एड आया है, ये इसकी जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है पीओ बॉक्स रावलपिंडी की जॉब्स के लिए। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके सामने कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो पहली पोस्ट है यहाँ पर वो है असिस्टेंट BPS जो है 15 स्केल की, जिसके लिए ग्रेजुएशन जो एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर का लिटरेट होना ज़रूरी है। 18 से 33 साल के जो है कैंडिडेट्स वो इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 24 जो है इसमें वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेरिट की 2 है, पंजाब की 12 है, सिंध रूरल की 3 है, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 3 है, बलूचिस्तान की 2 और फाटा गिलगित बल्तिस्तान की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट BPS 15 स्केल की पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट विथ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो है होना ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक के जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक ही पोस्ट है जो कि पंजाब के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, जो कि BPS 14 स्केल की जॉब है, जिसके लिए इंटरमीडिएट एजुकेशन FA, FSC, ICS होना ज़रूरी है। मिनिमम जो स्पीड है 80 या 40 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग की होना चाहिए और कंप्यूटर का लिटरेट होना ज़रूरी है इसके लिए। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर पूरी जो है 28 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेरिट की 2 है, पंजाब की 7 है, सिंध रूरल की 5 है, सिंध अर्बन की जो है 4 है, KPK की 4 है, यहाँ पर बलूचिस्तान की 3 है, गिलगित बल्तिस्तान जो की है उसकी है, फाटा की 2 है और AJKN के आज़ाद जम्मू कश्मीर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 स्केल की जॉब है, जिसके लिए सेकंड क्लास ग्रेड बैचलर डिग्री होना, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में जो है होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है जो कि पंजाब के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर लाइब्रेरी असिस्टेंट है, जो कि BPS 12 स्केल की जॉब है, जिसके लिए ग्रेजुएट इन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 पोस्ट है, मेरिट की 1 है, सिंध रूरल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कैमरा कंप्यूटर BPS 12 स्केल की जॉब है, जिसके लिए DIAE यानी कि इसका जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर हार्डवेयर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 3 पोस्ट हैं, जो कि सिंध रूरल के लिए 2 है और बलूचिस्तान के लिए 1। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन नेटवर्किंग की पोस्ट है, जो कि BPS 12 स्केल की जॉब है, जिसके लिए सेम DAE डिप्लोमा जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक ही वैकेंसी अनाउंस की गई है, जो कि सिंध रूरल के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर फोटोग्राफर की पोस्ट है, जो कि BPS 11 स्केल की जॉब है, जिसके लिए मैट्रिक विद साइंस सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस भी होना रेलिवेंट फील्ड में ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक ही पोस्ट है, जो कि पंजाब के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट का जो है आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहीं पर वर्क का होना भी ज़रूरी है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, जो कि पंजाब के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर की जॉब है, जो कि BPS 11 स्केल की जॉब है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आफ्टर मैट्रिक जो है होना ज़रूरी है और 2 ईयर जो है एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक पोस्ट है, जो कि पंजाब के लिए है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर UDC
सुपर डिवीजन क्लर्क की जो है पोस्ट है, जिसके लिए इंटरमीडिएट होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 पोस्ट इसकी अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 15 पोस्ट हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, केपीके की 3 हैं, बलोचिस्तान की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और आजाद जम्मू कश्मीर की भी 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर टेक्निकल की जॉब है, जो कि बीपीएस 11 स्केल की जॉब है, जिसके लिए एफएससीएस के इक्विवेलेंट के इंटरमीडिएट एजुकेशन होना जरूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर 2 पोस्ट अनाउंस की गई है, एक सिंध रूरल के लिए और एक सिंध अर्बन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि यहाँ पर बीपीएस 9 स्केल की जॉब है, मैट्रिक अलोंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड होना जरूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर 4 पोस्ट अनाउंस की गई है, जिसमें से 2 पंजाब की है, 1 सिंध रूरल की है और 1 केपीके की है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है वो है यूडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, बीपीएस 9 स्केल की जॉब है, मैट्रिक होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना जो है इसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो है 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 32 जो है वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, 32 पोस्ट हैं, जिसके लिए मेरिट की 2 है, पंजाब की 16 है, सिंध रूरल की 4 है, सिंध अर्बन की यहाँ पर 2 है, केपीके की 4 है, बलूचिस्तान की जो है 2 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, जम्मू कश्मीर की भी 1 है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर ड्राफ्टमैन की जो है पोस्ट है, जो कि बीपीएस 7 स्केल की जॉब है, मैट्रिक विद इक्विवेलेंट या मैट्रिक इक्विवेलेंट जो है आपके पास एजुकेशन होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड प्रोफेशनली इन डी मैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर 3 पोस्ट अनाउंस की गई है, एक पंजाब के लिए, एक जो है रूरल के लिए, सिंध रूरल के लिए और नेक्स्ट जो है केपीके के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन जनरेटर एसी बीपीएस 7 स्केल की जॉब है, मैट्रिक विद अलॉन्ग 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड होना जरूरी है। 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक पोस्ट है, जो कि सिंध रूरल के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर प्रूफ रीडर की है, मैट्रिक होना जरूरी है और 2 ईयर पोस्ट बॉक्स उसे आपने यहाँ पर सेंड कर देना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 750 GPO रावलपिंडी, 15 अक्टूबर से पहले पहले। नीचे आपको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स किसी तरह के भी उनकी जो है कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो सब रिक्वायर्ड है वो जब ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके लिए यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर मेंशन है वो सिर्फ यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने जो है अपने CNIC की कॉपी लगानी और साथ में 2 जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज जो अपनी पिक्चर्स ऐड करनी और उसे सेंड कहाँ कर देना है, पोस्ट बॉक्स नंबर 750 GPO रावलपिंडी। यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ रहा है, एडमिन ऑफिसर PO बॉक्स नंबर, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपका सबसे पहले जो एप्लीकेंट का नेम आएगा, यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नेम आएगा, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर फोटोग्राफर और साथ में आपने BPS 11 जो है स्केल लाजमी मैंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, डोमिसाइल, यहाँ पर जिस जगह से भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से आप उसे टिक कर देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ, लीजन, डिसेबिलिटी, CNIC, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस और यहाँ पर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे कि कौन सी डिग्री आई है, कौन सा सर्टिफिकेट है, इसके अलावा किस साल में जो है क्लियर किया था और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, डिवीजन, एज, CGPA, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, परसेंटेज भी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका किसी किस्म का पहले से जो है सर्विस रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का तो वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, या आर्म सर्विस में कहीं आपकी कोई भी सर्विसेज रह चुकी हैं तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर डेट और यहाँ पर जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे।
तो यहाँ से जो है ये आपने कंप्लीट फिल कर देना है। यहाँ पर इसकी एक फीस भी है जो कि 150 + 50 जो कि 200 टोटल बनती है, और ये बैंक चार्जेस हैं जो कि आपने सेंड कहाँ करने हैं। अकाउंट टाइटल देंगे, CAO एग्जाम फी, फंड नंबर, यहाँ पर आपको एक जो है अकाउंट नंबर मेंशन हो रहा है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान GHQ ब्रांच है, और यहाँ पर उसका ब्रांच का कोड भी मेंशन है जो कि 0330 है, रावलपिंडी। यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने ये जो है स्लिप जमा करवानी है। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो के, जहाँ पर जो है PO बॉक्स GPO 750 रावलपिंडी में जो जॉब्स आई हैं इसमें अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब वर्ड के मेंबर बने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जितनी भी वीडियोज हैं जो मैं जॉब से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। तो जल्द मिलते